हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा सेवन्थ का गणित का अध्याय नंबर 4 सरल समीकरण। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास एक्स कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगने से 5 अधिक थे। यानी संजू के पास एक्स हैं तो कैलाश के पास दुगने से, यानी 2 × x दुगना से 5 अधिक थे, तो ये 2x + 5 हो जाएगा। यदि संजू के पास 5 कंचे हों तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे? तो संजू के पास दुगने हैं उसके, तो 2 × 5 + 5, तो 5 × 2 = 10 और 5 = 15 कंचे आएंगे। इस तरह यदि संजू के पास 8 कंचे हों तो कैलाश के पास कंचों की संख्या, तो 2 को हम 8 के साथ गुना करेंगे, 8 × 2 = 16 प्लस में ये 5 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब उसके पास 8 × 2 = 16 + 5 = 21 कंचे होंगे। इस तरह अगला सम है, यदि संजू के 17 कंचे हों तो कैलाश की कंचों की संख्या, तो हमने 2 को 17 के साथ गुना कर दिया, 17 × 2 = 34 और 5 बीच में जोड़ दिया, तो ये 39 आ जाएगा। इस तरह अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, इसमें यहाँ लिखा हुआ यदि कैलाश के पास 23 कंचे हैं तो संजू के कंचों की संख्या क्या होगी? तो यानी 23 हैं तो 23 को हम जो है 2 के साथ गुना कर देंगे, 23 × 46 + 5, तो अब जो इनके कंचों की संख्या है दोनों की जो योग है वो, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ यदि कैलाश के पास 23 कंचे हैं तो संजू के कंचों की संख्या ज्ञात करो, तो 2 × x यानी उसके दुगने प्लस 5, तो ये जो हैं इनका योग हमारे पास अब 23 कंचे हैं, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 5 दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 23 − 5 = 18 आ जाएगा। दूसरी साइड में 2x है तो 2 दूसरी साइड में जाकर नीचे लग जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो इसका मतलब संजू के पास कंचों की संख्या 9 होगी। इसके बाद अगला सम है, इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? यदि हमें संजू के कंचों की संख्या पता हो तो हम कैलाश के कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो ये जो फार्मूला हमने ऊपर लगाया है इसके हिसाब से हम कैलाश के कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं, और एक चर पर ऐसा प्रतिबंध लगाने से समीकरण बनता है, तो यानी जो राशियाँ बदलती रहती हैं उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। कैलाश के पता हो तो संजू के निकाल सकते हैं, इस तरह अगर हमें कैलाश के पता हो तो उल्ट हम संजू के भी निकाल सकते हैं, इसी में ऐड कर देना है आपने। इसके बाद आइए अब आगे करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाओ, तो समीकरण प्यारे बच्चों जैसे हमने पीछे देख लिया, तो जो एक्स की वैल्यू के जो एक्स के बराबर जो मान होता है बराबर में दोनों साइड में जो होता है उसको हम समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला सम है और x + 2 = 5 ये समीकरण है, 9 + 2x = 6, 9 + x/2 = 8 और y + 1/2 = 4/5, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये समीकरण है। क्या यह तुला संतुलन में है? बताओ कोई तुला संतुलन में कब होती है? तो जब प्यारे बच्चों दोनों और दोनों साइड पे वेट बराबर होता है, भार बराबर होता है, तो हम तुला को संतुलन में कह सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसका जो बीच वाला ये है जो तीर का निशान आपको दिखा रहा है 90 डिग्री के कोण पर सीधा है, तो इसका मतलब ये तुला जो है दोनों तुलाएं संतुलित हैं, यानी तुला ये संतुलन में है। हाँ ये तुला संतुलन में जब किसी के दोनों, तो हम कह सकते हैं हाँ यह तुला संतुलन में जब किसी के दोनों पलड़ों में समान वजन होता है तो तुला संतुलन में होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि दोनों पलड़ों में 2-2 क्रिकेट बॉल रख दी जाए तो क्या तुला संतुलन में रहेगी? तो अगर प्यारे बच्चों इनमें 2-2 बाल और रख दी जाए, दोनों और 2-2 बाल और रख दी जाए, तो दोनों का वजन समान दोनों ओर बढ़ेगा, तो फिर भी ये संतुलन में रहेगी। यदि दोनों पलड़ों में से एक एक क्रिकेट बॉल हटा ली जाए तो भी यह संतुलन में रहेगी, इसका भी हाँ आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि दोनों पलड़ों पर एक एक गणित की किताब रख दी जाए तो क्या तुला का संतुलन बना रहेगा? तो हाँ, क्योंकि एक एक किताब का भार दोनों ओर बढ़ जाएगा तो बराबर रहेगा। एक फुटबॉल का भार 2 बॉल के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फुटबॉल जो है हमारी, यहाँ पर अगर हम एक बॉल, तो अगर हम यहाँ पर देखें दोनों में एक एक बॉल को काट दें तो यहाँ पर एक फुटबॉल है जो 2 बॉल के भार के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे एक फुटबॉल का भार 2 क्रिकेट बॉल के बराबर है। तो आइए अब अगला पेज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर
ये लिखा हुआ है नीचे दिए कि तुला संतुलन में है, तो यहाँ पर दो जो हैं डाइज रखी हुई हैं और यहाँ पर एक डाइज और दो पेंसिल रखी हुई हैं। तो अब हमें ये संतुलन में बताई गई है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, नीचे ये सम दिए गए हैं एक पासे का भार कितनी पेंसिल के बराबर है। अगर हम प्यारे बच्चों एक पासे को एक के साथ काट दें तो ये एक पासा बच गया, ये दो पेंसिल इस साइड में बच गई, तो दो पेंसिल के भार के बराबर एक पासे का भार है। इस तरह आगे लिखा एक पेंसिल का भार कितने पासों के बराबर होगा, तो एक पेंसिल का भार आधे पासे के बराबर होगा, क्योंकि एक पासे के बराबर दो पेंसिल हैं, तो एक पेंसिल का भार आधे पासे के बराबर होगा। इसके बाद अगला सम है, यहाँ पर पाँच नंबर में लिखा है यह तुला संतुलन में है, अंत दाएं पलड़े का भार बराबर बाएं पलड़े का दोनों का भार बराबर होगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कितने किताब का भार प्लस बाट का भार बराबर बाट का भार, तो यहाँ पर एक किताब और ये 10 किलोग्राम का वेट है, तो इनका भार कितने के बराबर है, दूसरी साइड में 20 किलोग्राम के बराबर है। तो इस तरह से नीचे दिए गए संतुलनों के लिए समीकरण हमने बनानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दो किताब दी हुई हैं यहाँ पर एक्स और एक्स, और ये वजन जो है 30 के बराबर दिया है, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस एक्स 30। अब इन दोनों एक्सों को जोड़ देंगे तो दो एक्स बराबर 30 हो जाएगा। इस तरह आगे जो दिया हुआ है 15, और दूसरा जो यहाँ पर x लिखा हुआ है, इन दोनों का वजन है, जो यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो y के बराबर है 15 प्लस x बराबर y। अगर 15 को बाद में लिख दें तो x प्लस 15 बराबर y के बराबर ये भार आ जाएगा। इसके बाद आइए अब अगला जो सम है इसका तीसरा पार्ट इसको कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है z और y, यानी z प्लस y बराबर, यहाँ z है और ये 30 है, तो z प्लस 30। तो अगर हम देखें z दोनों ओर से कट जाएगा तो ये y बराबर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको काट कर सीधा लिख सकते थे y बराबर 30। तो इसके बाद अगला है जो इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए तुला संतुलन में बताओ बाल का भार कितना होगा। यहाँ पर ये तुला संतुलन में यहाँ पर 10 किलोग्राम को अगर हम एक 10 किलोग्राम के साथ काट दें तो यहाँ पर x बच जाता है, और यहाँ पर 5 और 10 बच जाता है, 5 प्लस 10 15, एक्स का वजन जो है 15 के बराबर बॉल का वजन आ जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर इस चित्र में हमें दिखाया गया है नीचे दिए कि तुला संतुलन में है, तो यहाँ पर एक जो डॉगी है दो खरगोश के बराबर और एक पेंसिल दी हुई है, तो दो जो एक डॉगी है दो खरगोश और एक पेंसिल के भार के बराबर है। इसके बाद जो नीचे है यहाँ पर तीन खरगोश दिए हुए हैं, तो इनका जो वजन है यहाँ पर 3, 3, 6, 1, 7 और 2, 9 पेंसिल के बराबर है, तो तीन खरगोश का वजन 9 पेंसिल के बराबर है। तो एक खरगोश का वजन हमारे पास अगर हम 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 पेंसिल के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम को फिर से देखें तो एक कुत्ते का जो वजन है 3 पेंसिल इसकी हो गई पहले खरगोश की, और 3 पेंसिल इस खरगोश की, और 1 पेंसिल ये वाली, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 7 पेंसिल के बराबर इसका वजन आ जाएगा। तो इस आधार पर अब यहाँ पर नीचे दी गई तुला का संतुलन कितनी पेंसिलों की सहायता से बनाया जा सकता, तुम पेंसिलों की संख्या कैसे ज्ञात की यह भी बताओ। तो प्यारे बच्चों जैसे पीछे हमने पेंसिलों की संख्या एक जो खरगोश कुत्ता है उसकी ज्ञात की है, तो वो 7 आया था, तो हमने यहाँ पर 7 पेंसिलें आपने यहाँ पर बना देनी है। जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो आपने 7 पेंसिल यहाँ पर बना देनी है, यानी एक कुत्ते का भार 7 पेंसिल के बराबर है। इस तरह यहाँ पर आगे पूछा गया है हमें एक कुत्ता, तो अब मैं आपको पिछले पेज पर दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जो निकाला था ये वाला जो है, यहाँ एक कुत्ता 7 पेंसिल के बराबर निकाला था, और 3 खरगोश 9 पेंसिल के बराबर, 1 खरगोश 3 पेंसिल के बराबर। तो अब हम इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर एक जो कुत्ता है हमने 2 खरगोश प्लस 1 पेंसिल के बराबर निकाला था, 3 खरगोश 9 पेंसिल के बराबर थे और 1 खरगोश 3 पेंसिल के बराबर था, तो इसलिए एक कुत्ता जो है 2 खरगोश प्लस 1 पेंसिल, यानी ये 7 पेंसिल के बराबर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसमें लिखा हुआ है तुला संतुलन में है तो x का भार ज्ञात करो, तो ये x प्लस 5 जो है 15 के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर हम 5 हम दूसरी साइड में ले जाकर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और दूसरी ओर 3 प्लस x 9 के बराबर होगा, तो 3 दूसरी साइड में अगर ले जाकर माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी अगर आप सिंपल शब्दों में देखें तो x को 15 बनाने के लिए हमें x की जगह पर 10 लिखना पड़ेगा, और इसको 9 बनाने के लिए हमें 3 में x की जगह पर 6 और जोड़ना पड़ेगा। इस तरह नीचे वाला सम है जो 8 प्लस x बराबर 14, अब 14 बनाने के लिए x में हमें 6 और जोड़ना पड़ेगा। जहां आप इस समीकरण को हल कर लीजिए,
अब जो 8 हैं दूसरी साइड में जाकर 14 में से माइनस हो जाएंगे, तो 14 माइनस 8 एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब 9 नंबर प्रश्न है, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो ये यहाँ पर एक्स और 2, इन दोनों का जोड़ 7.5 के बराबर है, तो एक्स प्लस 2 बराबर हम जो है इसका जो 7.5 के बराबर है इस पर हम इसका मिलान कर देंगे। इस तरह जो अगला प्रश्न है अगर हम देखें इस तरह, अब 10 नंबर सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाओ। तो ये हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस जेड है, तो इनका योग 11 के बराबर दिया हुआ है, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 प्लस जेड बराबर 11 ये समीकरण बन जाएगी। अगर हम वैल्यू निकालेंगे जेड की तो 11 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगी। इस तरह जो सेकेंड पार्ट है इसमें हमें 1.5 प्लस 2 प्लस 3 2.5 प्लस क्यू इनका योग 7 के बराबर है, इनको हम जोड़ेंगे तो ये 6 प्लस क्यू बराबर, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग 6 प्लस क्यू बराबर 7 आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू 7 माइनस 6 क्यू 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब तीसरा पार्ट है, इसमें है हमारे पास एस प्लस 8 बराबर ये दिया हुआ है, 3s के बराबर हम लिख देंगे, ये समीकरण बन गई है। इसके बाद जो अगले दो पार्ट हैं इनमें जो 4 नंबर पार्ट है इसमें 5 प्लस क्यू प्लस पी की वैल्यू जो है पी प्लस 13 के बराबर है, तो आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद अगर हम पी को यहाँ से पी के साथ काट दें तो हमारे पास एस प्लस क्यू बराबर 13 ये समीकरण बन जाएगी। इस तरह अगला है ए प्लस 15 प्लस बी प्लस बी, तो इनको जो जोड़ेंगे तो इनका योग 52 के बराबर है, तो ए दो बार है 2a, बी दो बार है 2b प्लस 15 और प्लस बराबर में 52। तो इस तरह आपने 11 नंबर सम तक बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों आपने पूरा कर लेना है। अब हम जो अगला लेसन अगली बार जो सेकंड पार्ट है वो 44 नंबर से 11 नंबर से यहाँ से शुरू करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।